नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं निफ्टी 50 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको अभी डर लग रहा है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा और यहां पे आपको 10,000 या फिर 9,000 के लेवल्स दिखाई देंगे तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डर का कारण साफ है कि मार्केट में जो रियलिटी है और जो स्टॉक मार्केट आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इस समय मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि दो तरह के लोग जो हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। एक तो बुल्स हैं और दूसरे बेयर्स हैं। जो बुल्स हैं वो इसलिए डर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि यहां से मार्केट गिर सकता है, और जो बेयर्स हैं वो इसलिए डर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मार्केट यहां से बढ़ ना जाए। जो बेयर्स हैं वो पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, अभी उनका डर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने जैसे ही शॉर्ट्स चीज़ें किए हैं वहाँ से उनको अच्छा खासा नुकसान झेलने को मिला है, और जो बुल्स हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है और उन्हें लगता है कि यार ये प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उनकी चिंताएं बनी हुई हैं। और ये सारी चिंताएं जो है वो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दूर होंगी। एक जो बंदा है उसको मैं डेफिनेटली खुश करूँगा, वो वीडियो के अंत तक पूरा पूरा आपको पता चल जाएगा कि वो बेयर है या फिर दोस्तों वो बुल है। आज के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने ट्रेड जो किया है वो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड किया है। हालांकि अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली आपको लोअर लेवल से। अगर मैं लोअर लेवल से रिकवरी की बात करूं तो निफ्टी ने आपको लगभग लगभग दोस्तों 1% का जंप दिखाया है, जो काबिले तारीफ है। ओपनिंग हालांकि अच्छी खासी होती है इसकी। अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ दोस्तों तो इसकी ओपनिंग होती है 11,359.60 पे। उसके बाद इसमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, बट वहाँ से आपको रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो अभी बात आती है कि इसमें आपको गिरावट भी देखने को मिली है। जब दोस्तों बुल रन होता है तो उसमें आपको छोटी मोटी गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने अगर इसमें 5 दिन पहले पोजीशन बनाई होती तो आप देख सकते हैं वहाँ से आपने इस इंडेक्स में लगभग 0.79% की गिरावट भी देखी है। आप 2% के आसपास की गिरावट इसमें बोल सकते हैं, बट ये जो गिरावट है वो रीजनेबल है, और इस तरह की गिरावट अगर मार्केट में आती है तो उसको आप पॉजिटिव ही समझेंगे। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट आने वाले समय में आपको गिरती हुई दिखेगी या फिर यहाँ से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो दोस्तों आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो मैक्सिमम यहाँ से आपको 200 पॉइंट्स की गिरावट दिख सकती है, उसके बाद की गिरावट मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगी। उसका कारण साफ है कि जो मार्केट है वो हमेशा आगे सोचती है, वो हमेशा दोस्तों 6 से 8 महीने आगे सोचती है। आज जो हम देख रहे हैं वो हम डाटा देख के बोलते हैं, अगर हमें GDP 23 माइनस दिख रही है तो वो हमें दिखने के बाद दिख रही है, जब डाटा देखते हैं फिर हमें दिख रही है। बट आज अगर हमारा रिएक्शन है वो तभी है जब हम डाटा देख रहे हैं, बट मार्केट हमेशा साथ साथ में चलती है डाटा के। मार्केट को हमेशा पहले से पता रहता है कि डाटा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा समझदार होती है, उसे हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमें पता चल रहा है वो मार्केट को ऑलरेडी पता चल गया होता है। और अगर मैं मार्केट की बात करूं कि क्यों ये 11,000 के पार चल रही है तो उसका कारण है कि मार्केट को लगता है कि वर्स्ट कंडीशन हमारे साथ बीत चुकी है, इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता। और आप खुद जानते हैं कि ऑटो सेल्स अगर ज़ीरो हुई हैं तो ज़ीरो से वर्स्ट क्या हो सकता है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आप शोरूम में जाके गाड़ी को वापस नहीं करोगे कि यार ये गाड़ी ले ले और जो पैसे मैंने तेरे को दिए हैं वो मेरे को वापस दे दे, ऐसा नहीं होने वाला। जीरो से वर्स्ट कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद मार्केट अभी बढ़ेगी, तो बढ़ने के कारण क्या है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो बढ़ने के कारण ये है कि मार्केट आगे 6 से 8 महीने देख रही है कि उसे लगता है कि 20 है वो बेकार है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी 2020 को डिस्काउंट कर चुकी है। आप अगर देखोगे पिछला 3 साल तो दोस्तों ऑलरेडी हम बेयर रन में ही थे, और अगर जो 6,000 या 7,000 के लेवल देख रहे हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 6,000 के लेवल देखोगे तो बचेगा क्या। जो ऑलरेडी 80-90% पिट चुके हैं वो चाहते होगा आपकी वो 99% पे आपको मिले, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, उसके पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और मार्केट में ऐसा ही चलता है।
उसके बाद अभी बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से पिटेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी में तो सब कुछ बेकार चल रहा है। तो दोस्तों मार्केट हमेशा होप्स पे काम करती है और उसे लगता है कि 2020 के बाद जो हमारा आगे ने आने वाला आगे समय है वो अच्छा खासा होगा, वहाँ से हम रिकवर करेंगे और हम वहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और इस बात के साथ आप एग्री भी करेंगे, इवन मैं भी एग्री करता हूँ कि हमारी जो आने वाली समय है वो अच्छा खासा होगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मार्केट को शॉर्ट ना करें और आपका जो फोकस होना चाहिए वो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे, डबल डिजिट में आपको दोस्तों रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि कौन कौन से स्टॉक लेने चाहिए आपको, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेक्टर में टॉप क्वालिटी के स्टॉक ढूंढें और टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें आप अपना निवेश करें या फिर ट्रेड करें। कोई घटिया स्टॉक ना लें जो ऑलरेडी चल चुका है और आपको उसमें लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर पावर सेक्टर में जा रहे हैं तो सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक ना लें, या फिर दोस्तों आप ऐसा कोई स्टॉक ले रहे हैं बैंकिंग का, अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं तो ऐसा स्टॉक ना लें जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं येस बैंक लेना चाहूंगा, हालांकि येस बैंक करंट मार्केट प्राइस में अच्छा लगता है, बट मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन किसी चीज की है तो आप ना लें। उसके बाद बात करते हैं कि आपको आने वाले समय में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 2.5% से लेकर 5% का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और अपनी पोजीशन जो है वो दोस्तों उसमें बनानी चाहिए। अब अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो ये मेरे आपको सलाह होगी कि आप इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करें। और अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने 10-30% तक के रिटर्न्स कमाए हैं विद इन 1 month। तो मैं भी ये पर्सनली जो है वो दोस्तों स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करने की बेटर स्ट्रेटजी चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप समझ जाएंगे कि आपको पोजिशनल ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने पहले बोला है कि दोस्तों यहां से आपको मैक्सिमम 200 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। उसकी भी पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं कम है, बट अगर 200 पॉइंट की गिरावट आती है तो और ज्यादा पॉजिटिव चीज है, वहां से हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको जो दोस्तों बता दिया था जब मार्केट 10,000 के आसपास थी, इवन मैंने ग्रुप में जो है दोस्तों 8,200 के आसपास ही बता दिया था कि मार्केट यहां से आपको अप ट्रेंड दिखाएगा और अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। और मेरे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन भी बनाई है और स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न्स भी कमाया है। 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 100% के रिटर्न्स उन्होंने कमाए हैं। अपना जो पैसा है उन्होंने डबल किया है, एक बार नहीं दोस्तों बहुत बार डबल किया है, 3-3, 4-4 बार वो अभी तक अपना पैसा डबल कर चुके हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए हैं। और जो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो दोस्तों फेवर में था, उनको जो है वो 1% जो है दोस्तों लॉस नहीं हुआ है। लॉस के कारण जो है दोस्तों साफ है कि लॉस तब आपको होता है जब आप गंदा ट्रेड लेते हैं, और अगर आपने कोई गंदा ट्रेड लिया ही नहीं है तो आपको लॉस कैसे होगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।